हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आशा करता हूँ आप इस कोरोना महामारी में घर में होंगे और इस लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और सरकार का साथ दे रहे होंगे। तो दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। और हम आज ये टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हमारे दोस्त सब्सक्राइबर और हमारे चाहने वाले जो हमको बार बार फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि भाई बकरों को बकरीद के लिए कैसे तैयार करें और मोटे ताजे रखने की डाइट क्या है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों, जिसको आप अपने तक ही ना रखिए। इस वीडियो को YouTube में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, इससे ताकि ये जानकारी जो है औरों तक पहुँच सके। दोस्तों, हम तीन चीज़ का जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें है बिनौला खल्ली, इसको खल बोलते हैं, और आपका गेहूं का भूसा, इसको चोकर बोलते हैं, और चना चुन्नी। इन तीनों को हम लेते हैं दोस्तों। और बिनौला खल्ली जैसे कि आप 1 किलो ले रहे हैं तो 2.5 किलो उसमें चोकर लगेगा और 2.5 किलो आपको चना चुन्नी लगेगी। दोस्तों, खल्ली को आप जब खिलाने से पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसको भिगा के रखिएगा। तो उसको भिगा के रखने के बाद दोस्तों वो एकदम भीग जाएगी। जब 1 घंटे बाद उसमें आप खल्ली में चोकर और चना चुनी मिलाइए, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप काला नमक उसमें ऐड कर सकते हो। इसमें जानवरों को खाने में और अच्छा भी लगेगा, टेस्ट भी आएगा और उससे जानवरों को पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। और काला नमक में कैल्शियम भी मिलेगा आपको, तो उसमें फ़ायदा भी रहेगा जानवरों में। तो दोस्तों क्या है, उसको भिगा खिलाइए एक टाइम, सुबह टाइम दीजिए ज़्यादा अच्छा है, 11 बजे से 12 बजे के आसपास में दीजिए इसको। और लगभग मैं आपको जो बताया हूँ ये समझ लो आपको 6 किलो के आसपास का। जब खल्ली बिकती है 1 किलो तो वो अपने आप ऑलरेडी 2-3 किलो हो जाती है, और ये आपका जो रहेगा 5 किलो तो 8-9 किलो आपका चारा बन जाएगा, जो कम से कम आपके 8-10 बकरे 12 बकरों की सफिशेंट है। तो दोस्तों ये, और हमारा मेन मकसद है ब्रीडिंग का, हम ब्रीडिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ताज गोट फार्म का मेन मकसद ही ब्रीडिंग है। इसमें हम बकरियों में क्रॉस ब्रीडिंग ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हमारे पास सिरोही है, मालवा है और तोता परी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जैसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं खल्ली का चारा बनाने की प्रैक्टिकल करके बताऊँगा, जानवरों को खिला के दिखाऊँगा, जिससे आपको वीडियो देखने के बाद और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। दोस्तों, इसके लिए आप मेरे हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, औरों तक शेयर करिए, जिससे और जो घर में पालने वाले हैं जानवर उनको भी हमारे वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले और उनको भी जानवरों के खिलाने में, मेंटेनेंस में, दवाई पानी की सबकी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, इसमें कोशिश ये रहेगी कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको खिलाने की जानकारी दी जाएगी और ब्रीडिंग के बारे में आपको कुछ कुछ जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम सेव लाइफ। आशा करते हैं आप सभी सुरक्षित रहेंगे और गवर्नमेंट का साथ देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों।